ये हैं ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी। इनके अंदर इतना जबरदस्त ब्रह्म तेज था कि विश्वामित्र जी इनसे भयभीत हो गए थे और फिर इनको मारने तक के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन इनके ब्रह्म तेज के सम्मुख वो कुछ कर नहीं पाते थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज के 108 पुत्र थे, उसमें से 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने ख़त्म कर दिया था। फिर भी वशिष्ठ जी को क्रोध नहीं आया और 8 पुत्र ही उनके बचे। ये उसके बाद विश्वामित्र की तपस्या की, एक दिन इतना ज़्यादा शत्रुता होने पर भी बड़ाई कर रहे थे। जिस समय विश्वामित्र जी की तपस्या की ये बड़ाई कर रहे थे, उस समय विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर के छिपे हुए थे वशिष्ठ को मारने के लिए। अपनी प्रशंसा शत्रु के मुख से सुन करके उनका सारा क्रोध भग गया और वो चरणों में गिर पड़े। तब वशिष्ठ जी ने इनको, विश्वामित्र जी को, ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया। ये एक ऐसे भाग्यशाली ऋषि हैं श्री वशिष्ठ जी, जो राम जी के संपूर्ण अवतार काल में केवल 14 वर्ष के वनवास को छोड़ करके हमेशा साथ में रहे। राम जी के जन्म से लेकर के साकेत धाम गमन तक हर कार्य में, हर उत्सव में, हर संस्कार में, सब में सदा साथ रहते थे। नामकरण भी यही किया, राज्याभिषेक भी यही किए और साथ साथ भगवान के धाम भी गए थे। सरयू माता जो दिव्य नदी है, तो सरयू नदी को वशिष्ठ जी ही साकेत लोक से लेकर के भूतल पर आए थे, इसलिए सरयू माता को, सरयू नदी को वशिष्ठ जी की पुत्री कहा जाता है। इनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि ये पूरे जीवन में, जबकि लाखों वर्ष की इनकी आयु थी, एक बार भी अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं हुए, इसलिए सब लोग इनको नमन करते थे। कभी भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं हुए, इनका ज्ञान अखंड था। ये पौरोहित्य कार्य के लिए मना कर दिए थे। ब्रह्मा जी ने कहा था रघुवंशियों को पुरोहित बन जाओ, बोले महाराज पौरोहित्य कार्य करने पर, वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कार्य करने पर मेरा ब्रह्म तेज कमज़ोर हो जाएगा, बोले चिंता मत करो, तुम जिस वंश के पौरोहिती का कार्य तुम करने जा रहे हो उसी वंश में स्वयं भगवान नारायण महाविष्णु साक्षात राम जी महाराज प्रकट होंगे और तुम उनके सब संस्कार कराओगे, नामकरण करोगे, विवाह में जाओगे, सदा साथ रहोगे। इतना बड़ा लाभ और किसी तपस्या में नहीं मिलेगा। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर ये सूर्यवंश के पुरोहित बने थे और वो लाभ इनको प्राप्त हुआ। जब राज्याभिषेक राम जी का हुआ था तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पहले वही तिलक किए थे सब, और ऋषि मुनि देवी देवता लोग बाद में आए, तो वो सौभाग्य और किसी को नहीं मिला जो वशिष्ठ जी को मिला। 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलश्च, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, उनमें से नारद जी और वशिष्ठ जी ये दो ऐसे हैं जो भगवान के अवतार काल में साथ साथ रहते थे। नारद जी तो सभी अवतारों में रहे, वशिष्ठ जी राम जी के अवतार में सदा साथ रहे। अगस्त जी दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में ब्रज में गर्ग जी और अयोध्या जी में वशिष्ठ जी, ये 3 ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि हुए जो अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं हुए और इनके ब्रह्म तेज के सम्मुख बड़े बड़े
बलवान राजा लोग भी कांपते थे, क्योंकि इनका ब्रह्मदंड, इनका ब्रह्मतेज हजारों लाखों सेनाओं के ऊपर भी भारी रहता था। और इनकी धर्मपत्नी अरुंधति माता, ऐसी तो आज भी अरुंधति माता आकाश में विराजमान हैं सप्तर्षियों और वशिष्ठ जी के साथ। और उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों भाइयों को अपने स्तन का दुग्धपान कराया माता ने, और दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। अपने नेत्रों की शक्ति के द्वारा, अपने आशीर्वाद की शक्ति के द्वारा वशिष्ठ जी ने तमाम ऋषियों को ज्ञान प्रदान कराया। यहाँ तक कि लीला में राम जी को ही जब वैराग्य हुआ, योग वशिष्ठ ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो राम जी ने भी लीला ही सही वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया था, और तब उनको शांति मिली थी। ऐसे महान ऋषि वशिष्ठ हैं जो अयोध्या जी में, यदि भगवान के धाम चले गए वो, लेकिन अयोध्या जी में बाद में भी कुछ महान पुरुषों को उनका दर्शन प्राप्त हुआ। वशिष्ठ कुंड एक जगह है राम जन्मभूमि के पास में, वशिष्ठ कुंड। यद्यपि वो सरयू जी को स्वयं लाए थे वशिष्ठ जी, लेकिन वह वशिष्ठ कुंड आज भी है, और जब सरयू जी में जल बढ़ता है तो वशिष्ठ कुंड में जल बढ़ता है, वहीं वो रहा करते थे। और सरयू माता को बोले थे कि हमारे कुंड में एक रूप में आप रहो, तो सरयू जी उत्तर दिश सरयू वह पावन, वो तो हैं ही, लेकिन वशिष्ठ कुंड में भी सरयू जी हमेशा विराजमान रहती हैं। ऐसे महान तेजस्वी वशिष्ठ जी को प्रणाम, जय श्री राधे। इन्हीं का चित्र आज लगा हुआ है, राधे राधे। एक दिन माता अरुंधति ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि महाराज, आपकी बात तो कभी भी असत्य नहीं हो सकती है, लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा आज रोक नहीं पा रही हूँ। आप ही का वचन है, मुझे आपने बतलाया था कि दशरथ के पुत्र बनकर के स्वयं परमात्मा प्रकट होंगे। आप कह रहे थे कि ये बात आपके पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, न तो ब्रह्मा की बात असत्य हो सकती है, न आपकी बात असत्य हो सकती है, किंतु ये बात जब आपने कहा था वो समय बहुत दिन पहले बीत चुका है। इतना समय बीतने के बाद भी वो घटना तो घट न रही है, भगवान तो प्रकट नहीं हुए। आप लोगों की बातें तो कभी नहीं असत्य हो सकती हैं, किंतु मैं प्रतीक्षा करते करते आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, भगवान तो आ नहीं रहे हैं, कब हमको भगवान का दर्शन होगा, दशरथ के पुत्र के रूप में प्रभु का प्राकट्य कब होगा। वशिष्ठ जी मुस्कराने लगे, अरुंधति से कहा, अरुंधति तुम इतना अधीर मत हो, हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी की बात गलत नहीं हो सकती है, और मुझे भी समाधि में दर्शन प्राप्त हो चुका है कि भगवान का अवतार होगा। अरुंधति माता ने कहा, महाराज अब इसमें कमी किस बात की पड़ रही है जिसके कारण अवतार नहीं हो रहा है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, भगवान के आने के लिए, भगवान के प्राकट्य के लिए बहुत तीव्र लालसा की आवश्यकता होती है, और महाराज दशरथ को पुत्र की लालसा तो अभी हुई ही नहीं, वो भी बहुत तीव्र लालसा हो तभी संभव है। देवी जब तीव्र लालसा उत्पन्न होगी तभी ये कार्य हो पाएगा। महाराज दशरथ को अभी पुत्र की तीव्र लालसा नहीं उत्पन्न हुई, तो अरुंधति माता ने कहा, लालसा तो मैं उत्पन्न करा दूंगी, आप चिंता मत करिए। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, आगे का कार्य मैं कर दूंगा, आप लालसा उत्पन्न करिए।
बोले ठीक है। अब एक दिन जब वो आपको प्रणाम करने के लिए आएंगे तब मैं उसके लिए उपाय करूंगी। महाराज गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए जब अगले दिन दशरथ जी आए तो मौका देख करके अरुंधति माता ने उसी समय एक छोटा सा बच्चा जो उनका था उसको छिपा करके धीरे से उसके पीठ पर चिकोटी काटा और वो रोने लग गया। छोटा बच्चा तो रोएगा ही रोएगा। उसका रुदन सुन करके महाराज दशरथ बोल पड़े, माता ये बच्चा क्यों रो रहा है? अरुंधति माता ने कहा, महाराज इसके रोने का कारण मुझको मालूम है। तो दशरथ ने पूछा कि माता कारण क्या मैं जान सकता हूँ? माता ने कहा हाँ वो इसलिए रो रहा है कि उसने आपको देख लिया और आपको देख करके उसको रोना आ गया। दशरथ ने कहा मुझे देख करके क्यों रोना आ गया उसको? तो माता अरुंधति ने कहा वो आपको देखकर इसलिए रो रहा है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है बालक। वो विचार कर रहा है कि जब वो बड़ा होगा तो आपके वंश में तो कोई होना नहीं है, अब आपका वंश तो यहीं समाप्त हो रहा है, तो वो पौरोहित्य कर्म किसका करेगा, वो कोई किसका पुरोहित बनेगा। वो सोच रहा है कि महाराज का वंश तो खत्म हो रहा है, अब कोई पुत्र तो हो नहीं रहा, संतान तो हो नहीं रही, जब वंश ही समाप्त हो रहा है तो मैं पुरोहित तो बन नहीं पाऊंगा, तो मेरा जन्म लेना तो व्यर्थ हुआ। अब मैं पुरोहित्य कर्म तो किसी का नहीं कर पाऊंगा, यही सोच करके रोने लगा। आपके वंश न चलने के कारण उसको रुदन आ गया, वो रोने लग गया। बस ये बात माता ने कहा। इसके बाद गुरु को प्रणाम करके जब वो चले गए घर तो भगवान की ऐसी लीला प्रारंभ हुई कि अब दशरथ को चिंता हो गई। अब वो पुत्र के न होने के कारण एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। अब उनको मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश खत्म हो रहा है, और यहाँ तक कि गुरुदेव का पुत्र मेरे वंश के नाश होने के भय से रो रहा है। तो जब उनको ग्लानि हुई तो तीव्र लालसा उत्पन्न हुई पुत्र के लिए। दशरथ मानो धर्म के स्वरूप हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तब वो ठाकुर जी के जन्म लेने के लिए भूमिका तैयार होती है। और उनको जब ग्लानि हुई, तीव्र लालसा पुत्र के लिए उत्पन्न हुई, तब वो गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कह विनय विशाला। अब फिर गुरुदेव के चरणों में वो अगले दिन आए और आ करके बहुत विनती करने लगे और आंखों से आंसू गिराने लगे कि आपके जैसे सामर्थ्यवान गुरु के होते हुए क्या मैं पुत्रहीन रह जाऊंगा? आपने हमारे वंश को सदा आशीर्वाद प्रदान किया है, मेरे पूर्वजों को आशीर्वाद प्रदान किया और उन सब के संतान होती गई और एक से एक महान से महान राजा हुए। महाराज गुरुदेव क्या मुझे वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा कि जिससे मेरा भी वंश चले और सुयोग्य संतान का जन्म हो? तब गुरुदेव वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हुए बोल पड़े, धरव धीर होई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज आप धीरज रखिए, एक नहीं चार पुत्र आपके घर में होंगे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों का दुख दूर करने वाले होंगे, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया है। उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना किया, महाराज अब आपका आशीर्वाद फलीभूत होना चाहिए, बोले उसके लिए मैं वशिष्ठ
यज्ञ नहीं करूंगा, मैं श्रृंगी ऋषि को बुलाऊंगा और तो वो कार्य होगा। आप लोगों को पता है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और अग्निदेव ने चरु दे करके राजा दशरथ को आदेश दिया कि ये माताओं में अपनी रानियों में बांट दो, और उन्होंने बांटा। फिर वो सभी गर्भवती हुई और समय आने पर रामनवमी की भगवान राम का प्राकट्य हुआ। फिर इसके बाद भरत जी का प्राकट्य हुआ और फिर शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का माता के पास एक साथ प्राकट्य हुआ है, अर्थात चार पुत्र जन्म लेने वाली बात सत्य हो गई। तो जब तीव्र लालसा उत्पन्न होती है तभी उसका सुफल प्राप्त होता है, अर्थात हमारे जीवन में तीव्र लालसा की आवश्यकता है। तीव्र लालसा यदि उत्पन्न हो जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव है। जब तक लालसा तीव्र उत्पन्न नहीं होगी तभी तक लक्ष्य हमसे दूर रहता है। श्री राधे राधे।